प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी का अध्ययन इस यूट्यूब लेसन के माध्यम से कर रहे थे। हमने पूर्व डार्विनियन वर्गीकरण पद्धतियों को संपन्न कर लिया था। इसके पश्चात 1859 में डार्विन द्वारा जैव विकासवाद प्रतिपादित किया गया। उसके बाद की जो वर्गीकरण वर्गीकी के इतिहास में आते हैं वह फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण कहलाते हैं, और सुविधा की दृष्टि से हम पश्च डार्विनियन पद्धति के अंतर्गत पीरियड फोर्थ में इनको रखते हैं। हम इसी क्रम में जो आधुनिक पद्धतियाँ वर्गीकरण के क्षेत्र में प्रतिपादित की गई उसमें आज अध्ययन करेंगे आइकलर पद्धति का। जातिवृत्त वर्गीकरण के बारे में पार्किन ने 1934 में बहुत अच्छा एक कोटेशन दिया था कि जातिवर्ग के बिना वर्गी की मांस रहित हड्डियों के समान है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम वर्गी की को अभी तक जो अध्ययन कर रहे थे उसमें जातिवर्ग संकल्पना को नहीं लिया गया। इसका जो मुख्य मकसद है वह इवोल्यूशन और विकास किस प्रकार से पादप के पूर्वजों द्वारा किसी जाति का हुआ है, इस बात को यदि हम ध्यान नहीं रखें तो वह वर्गीकरण पार्किन के अनुसार अधूरा है। आधुनिक वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं उसमें जातिवर्त संकल्पना को सम्मिलित किया जाता है। जातिवर्त का तात्पर्य है कि पादप अपने पूर्वजों से कब कैसे और किन पूर्वजों से ये उत्पन्न हुए, इस बात पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन 1859 में आई, उन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज, उसमें इस बात को सम्मिलित किया। और इसके पश्चात जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पद्धतियों का विकास करना आरंभ किया। इस समय तक विकास की संकल्पना भी आ चुकी थी एवं बहुत सा साहित्य और बहुत सारे नेचुरल वर्गीकरण भी बॉटनिकल लिटरेचर का हिस्सा बन चुके थे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से एमिनेंट बॉटनिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन इश्यू ऑफ टैक्सोनॉमी में अपने सिस्टम्स को प्रतिपादित करके दिया। उसमें जो मुख्य नाम आते हैं वह है आइकलर, एंगलर जिन्हें हम एंगलर और पेंटल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, बेसे, हचिनसन, तख्ताजान, करनक्विस्ट, डेलग्रेन, थोरने आदि आदि। यदि हम ऑगस्ट विलहेम आइकलर का योगदान देखें तो इन्होंने आकारिकी के गहन अध्ययन एवं जैविक विकास के सिद्धांत के आधार पर अपना बहुत ही उच्च कोटि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो कि बाद में एडोल्फ एंगलर एंड पेंटल कार्ल पेंटल के वर्गीकरण की आधारशिला बनी। कहने का तात्पर्य है कि एंगलर पेंटल जो हम पढ़ते हैं उसका जो मुख्य स्वरूप था वह आइकलर के वर्गीकरण पर आधारित था। इन्होंने अपने नए एक वर्गीकरण पद्धति का विकास किया जिसमें विकास की संकल्पना रिफ्लेक्ट होती है। इन्होंने अपना कार्य एस एंडलिकर के साथ मिलकर के किया। मुख्य रूप से यहाँ पर जो बात देखने को मिलती वो ये है कि इन्होंने पुष्पीय
संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मुख्यतः फ्लोरल सिमेट्री को लेकर के इन्होंने कार्य किया। उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है ग्लूटेन डायग्रामी कंस्ट्रक्ट एंड इलेट्रेट, ये जर्मनी भाषा का नाम है इसलिए अपने लिए थोड़ा सा कठिन है। ये वर्गीकरण पहला वर्गीकरण था जिसको फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण माना जाता है। यदि हम आइकलर के वर्गीकरण का संक्षिप्त में रूपरेखा देखें तो इन्होंने पादप को दो भागों में बांटा, क्रिप्टोगेमी एंड फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी में थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेल्डोफाइटा संघ रखे और उनको आगे संवर्गों में विभाजित किया। फेनरोगेमी को इन्होंने संघ जिम्नोस्पर्मी और संघ एंजियोस्पर्मी में विभाजित किया। संघ एंजियोस्पर्मी को इन्होंने संवर्ग मोनोकोटिली और डाइकोटिली में विभक्त किया। डाइकोटिली को इन्होंने उपसंवर्ग कोरीपेटली और सिमपेटली में विभक्त किया। कोरीपेटली कैनकिन बियरिंग एमेंटिफेरी से प्रारंभ होती है और लेग्यूमिनोसी के साथ समाप्त होती है। सिमपेटली एरिकेल्स के साथ प्रारंभ होती है और कंपोजिटी के साथ समाप्त होती है। ये पद्धति इस कल्पना के आधार पर थी कि पादप अपने लैंगिक अंगों की संरचनाओं में क्लिष्ट हैं, विकासीय उन्नति के चरम बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। सुविकसित परिदल वाले पादप परिदल पादपों से विकसित हुए हैं ऐसा उनका मानना था और अंगों के नष्ट होने से ये सरल प्रतीत होते हैं जबकि ये संरचना वास्तव में विकसित है। इन्होंने प्रतिगामी विकास के को नहीं माना। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सिंपल जो आगे जाकर के एंगलर और पेंटल वर्गीकरण की आधारशिला बनी। इन्होंने सिमपेटली जैसे उपसंवर्ग का प्रतिपादन किया। आगे के लेसन में हम आइकलर के आगे का कार्य देखेंगे। धन्यवाद।